तो इसी तरीके से आप लोग कल से चला लो, क्योंकि मुझे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई टेक्स्ट करता है, ठीक है, अच्छा दूध पजू अच्छी सर पा चिकों से जेर सिया हूं कहीं जेन हुआ सर जो क्या था आपका प्री बोर्ड से पहले? तब भी वही था सर, तकरीबन तकरीबन 40-48 तक थे, मतलब इंप्रूवमेंट आया है सर। अब फिर क्या गया? मोर देन 3 सब्जेक्ट में अब ज्यादा ही है, मैं जो मेन सब्जेक्ट 3 थे उसमें हमारा 70 क्रॉस कर रहे हैं। गुड, ठीक हो जाएगा। पहले क्या था? पहले तक ओवरऑल 48% थे, अब इंप्रूवमेंट आ गया। कैसा चल रहा है क्लास? अच्छा नहीं नहीं अब बैठिए बैठिए, कैसा चल रहा है क्लास? स्टार्ट करो तो चाउमीन दे। मैं एक बात बताऊं, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ठीक है ना? जब इंसान होश संभालता है ना, इसके बाद फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ें सीखते जाता है। CBSE इम्तिहानात में बच्चों की शानदार कारकर्दगी के लिए हिल काउंसिल और UT इंतजामिया बेहद फिक्रमंद है, जिसको लेकर एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल जाकिर हुसैन आए रोज मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करके तलबा और असातिज़ा को रेजिडेंशल हॉस्टल को चलाने की तरगीब दे रहे हैं। इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की गरज से इंतजामिया ने इस साल 10वीं और 12वीं के तलबा व तालिबात को सर्दियों के अय्याम में न सिर्फ पढ़ाई जारी रखा है बल्कि स्कूल के अंदर ही क़याम व तआम का भी एहतमाम किया गया है ताकि बच्चे टीचरों की निगरानी में पढ़ते रहे। हॉस्टल और तालीम के निज़ाम को फ़ाल बनाने और इन्हें हर किस्म की सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसलर और चीफ एजुकेशन अफसर इन स्कूलों का आए रोज दौरा कर रहे हैं। वॉइस ऑफ लद्दाख ने इस हवाले से एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ लद्दाख। कल हम द्रास में थे, वहाँ भी हमारे जो है रेजिडेंशियल जो है हॉस्टल वो कंटिन्यू हो गए, बच्चों की डिमांड थी, और बीच में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ सांकू जो हमारा गर्ल्स स्कूल है फ़ोन पे मुझे भी और इसी साहब को भी कि सर हम भी जो है ये चलाना चाहते हैं, हमें भी जो हमारे आर्ट्स पार्ट्स हैं हमारे सब्जेक्ट कुछ डिफ़िकल्ट हैं ताकि हम ही रात को भी बैठ के पढ़ें। उसी सिलसिले में हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर साहब और मैं हम यहाँ आए, पूरे स्टाफ को बुलाया, उनको मोटिवेशन दी कि कल से जो है आप ये अपना जो है रेजिडेंशियल हॉस्टल जो है वो शुरू कर लो ताकि बच्चों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। तो लगभग 35-36 के करीब हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे हमारे जो है रेजिडेंशियल कोचिंग जो चल रही है अच्छे तरीके से चल रही है इस वक्त। हाँ, तो कितना बच्चों को कितना फ़ायदा होता है सर? देखो, क्योंकि बच्चे CBSE एग्ज़ाम देने हैं। पहले एक एग्ज़ाम लिया था हमने परी बोर्ड, उसमें बहुत सारे स्कूलों का जो है वो रेड जोन में थे, लेकिन अब जो अभी परी बोर्ड दोबारा जो हमने अभी लिया है चंद ही दिन हुए हैं, तो वो जो स्कूल हमारे रेड जोन में थे रेजिडेंशियल की वजह से वो ग्रीन जोन में आ रहे हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ा डेवलपमेंट होगी और बच्चे जो है CBSE में अच्छा कर पाएंगे। असातिज़ा टीचर कितने ताउन कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल चलाने में? नहीं, टीचर पूरा ताउन कर रहे हैं जी। अच्छे टीचर हैं हमारे, अच्छे उस्ताद हैं, पढ़े लिखे हैं और बच्चों का साथ वो अच्छे तरीके से मतलब कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गर्ल हाई स्कूल में लेडीज़ टीचर की कमी है, यहाँ पे है ही नहीं। वो मैंने अभी कहा, उधर आपने सुना होगा, मैंने रेडियो को कहा कि 2 लेडी टीचर इनको प्रोवाइड कर दो ये विंटर कोचिंग के लिए जो हैज़ वार्डन जो तक के काम करेंगे ताकि बच्चियों को कोई परेशानी ना आए। एक गर्ल हाई स्कूल में लेडीज़ टीचर तैनात हम चाहिए। कर रहे हैं वो रेशनलाइजेशन के तहत, हम इनको जो है वो कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, बच्चों से पूछो कितने बच्चे बैठना चाहते हैं। अगर आपके पास 30 है, 30 में से 6 तो बाहर हैं या 7 बाहर हैं, तो जो 22-23 जो बचता है, 22-23 जो आपका डे क्लास अटेंड करता है उनसे आप पूछ लो, पूछ के और उनका एक लिस्ट बना लो, ठीक है। फिर जो भी सामान आप लोगों को चाहिए, फायरवुड चाहिए, फायरवुड तो आप लोगों के पास डे क्लास के लिए लाया होगा, मजीद और कुछ चाहिए वो तो आप बाद में कहीं से ले ले आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग कल से चला लो, क्योंकि मुझे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई टेक्स करता है, ठीक है, अच्छा दूध पजूँ अच्छी सर पा चिकों से जेर सिया हूँ जेन हुआ सर जो। तो खैर, किसी बच्चे ने, आप लोग ये दिमाग से निकाल लीजिए, हमें किसी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं। बाकी फीमेल स्टाफ सियो सर, अभी रेडियो को फ़ोन करो, ठीक है,
किसी सराउंडिंग स्कूल से बिल्कुल ये कौन है इनको बता दो नहीं मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो चाहे नजदीक का हो चाहे दूर का हो, ठीक है, वार्डन फीमेल हम आपको दे दी, दो सपोर्टिंग हम दो के लिए बोल दिया, दो के लिए बोला बस, बाकी तो जरूरत नहीं है ना सपोर्टिंग, बाकी सब आपके पास है, आप सब तैयार है ना, हाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर इसमें से आप लोगों में से किसी को मतलब कोई मजबूरी है कुछ है तो बता दो, देखो ये तो चलाना तो है, नहीं चलो दो खूंगा तो यहाँ अपना दिन अल्ताज पा, ठीक है, क्या लिमिट है इनका, 6 लाख है तो 12 लाख किया अभी तक, तो क्या फायदा है आपको 66 लाख की लिमिट आई है ना, तो कल 4 बजे तक या परसों तक आपका 30 लाख का एक्सपेंडिचर बुक होना चाहिए, करा दो, क्या करते हो आप, 5 दिन पहले चेकअप हुआ मेडिकल RBST की टीम का आया था, तो उन्होंने ओवरऑल चेकअप किया ठीक था, वो हमने CMO को क्लियर डायरेक्शन दिया हुआ है, वो आप लोगों को जो भी मतलब फर्स्ट एड वगैरह चाहिए वो सब पूरा दवाई यहाँ पे उन्होंने छोड़ा है, फर्स्ट एड यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, पूरा एक दिन मेडिकल टीम यहाँ पे बैठा सर, सीसी साहब को चाहिए थे, अच्छा है ना, वही डायरेक्शन हमने दिया था उधर, थैंक यू सर, और भी कुछ, हाँ सब ठीक चल रहा है, हाँ चलो जी अच्छे से चला, परसों में बैठा है बड़ा अच्छा, ठीक है, अब बंद करो पढ़ाई, अभी आसान चल रहा है, कोई बात नहीं, बंद करो, चलो बंद करो, ये सिवन में निकलता है तो क्लास टेस्ट वगैरह चल रहा है, तैयारी कैसे चल रहा है, रिपोर्ट का रिजल्ट आया, क्या है 10th का 50% है सर, गुड, 12th का भी नहीं है सर, पहले क्या था आपका प्री बोर्ड से पहले, तब भी वही था सर, तकरीबन 48 तक थे, मतलब इम्प्रूवमेंट आया सर, अब फिर क्या गया, मोर देन 3 सब्जेक्ट में आप ज्यादा आ गया, जो मेन सब्जेक्ट 3 थे उसमें हमारा 70 क्रॉस कर रहे हैं, गुड, ठीक हो जाएगा, पहले क्या था, पहले तक ओवरऑल 48% थे, अब इम्प्रूवमेंट आई है सर, अभी 12 का नहीं आया सर, अभी 12 का एवेटेड है, 12 का नहीं आया सर, ट्वेल्थ क्लास में, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल यहाँ पे कोचिंग चल रहा है, स्कूल चल रहा है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है आपके लिए, सर पहले से बहुत फ़ायदा हो रही है, क्योंकि दिन रात हमारे टीचर यहाँ पर रुकता है और हमें बहुत गाइड करता है सर, इसीलिए बहुत फ़ायदा हो रही है, सब्जेक्ट के सभी टीचर मौजूद हैं, हाँ सर, जो दिन रात को नहीं आता है वो दिन को आके हमें गाइड करके चले जाते हैं सर, ऐसा सिस्टम है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर, मतलब अलग अलग मेन्यू मिलता है कि दाल चावल ही देते हैं, नहीं सर अलग अलग डे के मतलब मेन्यू बना हुआ है सर, बहुत अच्छे से बैलेंस डाइट भी का ख्याल रखता है सर, बहुत अच्छे से, यहाँ पे सर ये बच्चियाँ हैं, आप लड़कियाँ हैं, तो लेडीज टीचर हैं यहाँ पे, वार्डन वगैरह, हाँ सर है ना, किस क्लास में पढ़ती हो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है हसीना और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ सर, तो यहाँ पे सर्दियों के आए पहली बार, चूँकि आप CBSE एग्ज़ाम देने भी जा रही हो, तो कितने तैयारी हुआ है सर, अभी तक थोड़ा थोड़ा हुआ है, क्योंकि 21 दिन हुआ है आके, अच्छा चल रहा है, बहुत प्रोग्रेस आ रही है, स्कूल चल के 21 दिन हुआ है यहाँ पे, आप 21 दिनों से हो, यस सर 1 जनवरी से, तो दिन रात आप यहाँ पे पढ़ती हो टीचरों की निगरानी में, यस सर, जो टीचर यहाँ पे आते हैं ना वो हम दिन रात हमें गाइड करते हैं, जो भी डाउट है हम उनसे क्लियर करते हैं सर, एग्ज़ाम के लिए कितना तैयारियाँ की आपने, अभी चल रही है सर, चल रहा है, ऐसे ही प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, चलो टीचर सभी टीचर मौजूद है यहाँ पे सर, ये रोस्टर पे है सर, 7 दिन
दूसरा आते हैं इसे चेंज करते हैं। तो ठीक है, मतलब टीचर से भी मौजूद है जैसे साइंस का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, सब के टीचर मौजूद है। ठीक, तो खाने का क्या बंदोबस्त है यहाँ पे? सर खाने का बंदोबस्त जो है वो बहुत अच्छा है सर, हमें दाल मीट वेजिटेबल सब अच्छे से देते हैं सर। दूसरे स्कूलों के तलबा को और वालिदैन को क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे शंख इलाके में बहुत सारे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के मैं अभी भी रेजिडेंशल स्कूल नहीं चल रहा है क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे, वालिदैन बच्चों को देने से इनकार कर रहे हैं। सर अभी हम गवर्नमेंट ने हमें इतना फैसिलिटीज़ दिया है तो हमें सर इस पर फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने हर तरह के मुमकिनात हमें दिया है, यहाँ जितना भी हो सके वालिदैन को अपने बच्चों को इस हॉस्टल के लिए देना चाहिए क्योंकि सर हॉस्टल में जो है हमें पढ़ाई का माहौल मिलता है तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं सर। के मैं एक बात बताऊँ, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ठीक है ना। जब इंसान होश संभालता है ना, इसके बाद फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ें सीखते जाता है। इस दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप कितना मतलब मेहनत के साथ दिल लगा के पढ़ोगे, कितना दिलचस्पी से पढ़ोगे, सब कुछ आपके ऊपर है। आपको अगर स्टाफ की कमी है हम उसमें आपको मदद कर सकते हैं। मेहनत आपको करना है, फार्मूला याद आपको रखना है, मैथमेटिक्स में MCQ आ जाता है, जो MCQ आता है वो फार्मूला बेस्ड होता है, आप फार्मूला ठीक तरह याद करो MCQ वहीं से आपको निकल जाएगा। वैल्यू आप अगर फार्मूले में पुट अप करोगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। और तो चलो मतलब दिन रिक्वेस्ट हूँ फार्मूला बेस्ड, ठीक है ना, ठीक है। निकाल दो ना कि ये टफ है, कोई टफ नहीं है, देखा जाए। अभी सर भी कर रहे हैं, आप ये अप्रोच देख लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए ईजी है, ठीक है। हिंदी पढ़ाई है ठीक से ना, हाँ जनवन ठीक था बिना चौम से खिंदा सिलेबस का और सौ, हाँ सिलेबस का और सौ सिनेमन ये ना, हाँ क्लास टीचर यो मत है चमचा सब सिलेबस बारह सौ पाँच समा शरद स्कूल का, ठीक है। क्लास टेस्ट डुल बेदा चलता है, क्लास टेस्ट लेते हैं लोग। कितने स्टाफ है आप इधर? दो क्यों बाकी? नहीं नहीं नहीं, आपका सब्जेक्ट टीचर तो रहना चाहिए ना, कहाँ आपका सब्जेक्ट टीचर? साइंस मैथ्स का कहाँ? नहीं नहीं 9500 पर स्टूडेंट आप लोगों को दे रहा है ना, उसमें आपको क्या क्या आता है? एक तो इनका हीटिंग आता है उसमें, नहीं हीटिंग अलग से है, हीटिंग अलग से है, वो 9500 में नहीं है, 9500 पर स्टूडेंट आपको खाने के लिए दे रहा है ना, वो सिर्फ खाने के लिए है। देखो ना जिस कमरे में ये लोग बैठा है फर्स्ट क्लास है। अब आप चाहते हो कि स्कूल को मतलब विंटर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, वो एक अलग इशू है, वो हम मार्च के बाद देख लेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे विंटर फ्रेंडली आपके एक दो क्लास हम बना लेंगे, लेकिन अभी आप उसके पीछे मत जाओ। अभी आपको जितना पैसा आता है वो इनके फायरवुड इनके खाने पर खर्चा करो, ठीक है ना, और इनको बेहतर से बेहतर तरीके से इनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करो, ठीक है। कितना टाइम हो गया आप लोगों को शुरू करके? हफ्ता, ठीक है। अगर यही काम आज से एक महीना पहले करते तो बताइए हम कहाँ पहुँचते। सुनो आप देखो, ज़रूरी नहीं था आपको स्कूल के अंदर चलाना, कितने बच्चे बस इतना ही है ना आपको, बस 15। इस 15 को तो किसी के घर में एक हॉल में लेके आप लोग बैठ सकता था ना, आपके पास फीमेल वार्डन है? अब आप लोग कहते हैं स्टाफ तैयार नहीं था, भाई देखो स्टाफ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको तो तैयार होना है, क्यों नहीं तैयार होगा? तैयार होंगे, ऑर्डर होता है वो तो, गवर्नमेंट उनको तो ऑर्डर करा देता ना, लेकिन देखो अब 7 ही दिन हो गए, क्यों नहीं अभी आपके पास? अभी नहीं है, अभी नहीं आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट? आप मुझे एक बात बताओ, अभी फिर आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक कहाँ से है?
ठीक है, पहले भी आप पढ़ा सकता था ना साइंस? सुनो, देखो देखो, यही चीज हमें गलत कंसेप्शन है ना, ठीक है? आपको मैथमेटिक्स नोइंग चाहिए, आपके पास है, आपके पास साइंस नोइंग चाहिए, है, जर्नल है, बाकी इंग्लिश आपके एसएसटी जर्नल है। सर अभी सीबीएसई का थोड़ा सा वो ना लिटरेचर विटरेचर आता है ना, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा जो आम टीचर होते हैं उनको टफ होता है। नहीं देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। संस्कार के फे से लेकर दराज के मुरादबाग और मुश्कू तक, ठीक है, विंटर रेजिडेंशियल चलाया हमने, आप लोगों को हफ्ता हो गया शुरू करके, ये तो हम, अब आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है, हमारी गलती है कि नहीं है? नहीं, हमारा गलती है सर। अब आप लोगों को गलती का एहसास हुआ है, शुरू किया है, इंशाल्लाह आप लोग अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेगा। हौसले से काम करो, इन बच्चों का फ्यूचर बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ये सब हमारे फ्यूचर हैं, ठीक है ना? इनकी पढ़ाई के लिहाज में जो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप सीओ साहब को बताओ, हमें बताओ, सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब बड़ा पर्टिकुलर है, इतना पैसा दिया करगिल को, शायद करगिल की हिस्ट्री में एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा जो है ना हमें कभी नहीं मिला है। अब देखो ना, मतलब शिक्षा, आज शिक्षा के लिए आपको हर चीज आपके डोर स्टेप पे, सेक्रेटरी साहब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्टर इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब वो जो वहां से पैसा देता है, उन पैसों को इन बच्चों के पढ़ाई पे खर्चा करना, इनको बेहतरीन एजुकेशन देना, वो हमें करना है ना, ठीक है, उनके मिशन को आगे हमें लेके जाना है, वो हम लोगों को लेके जाना है, अगर हम ना समझे तो हमारी बदकिस्मती है। चलो, अब तो आप लोगों ने शुरू किया, थैंक यू, थैंक यू। कैसा चल रहा है क्लास? अच्छा, नहीं नहीं, अब बैठिए बैठिए। कैसा चल रहा है क्लास? हाँ, अच्छा चल रहा है। अब घर की पढ़ाई अच्छा लगता है कि हॉस्टल की? हॉस्टल का क्यों? कितना दिन हुआ आज? 3 दिन, चौथा दिन चल रहा है। कितने बजे तक पढ़ते हो रात को? 12-1। सुबह कितने बजे जागते हो? 6-6:30। तो फिर इसके बाद क्या करते हो? नमाज वमाज पढ़ते हो? फिर टाइम टेबल के अंदर बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी रखा हुआ है सुबह? अच्छा, थोड़ा सा मतलब कौन से टाइम पे खेलते हो? वॉलीबॉल निसार बालखानी देखे थे, बड़ा एक्टिव है, उसने भी आज से शुरू किया है वहाँ विंटर। हाँ, ये गुड। और बताओ, पढ़ाई के वक्त जब हमें टफ वर्ड्स आते हैं तो हम सर से पूछ लेते हैं, सर की हेल्प से, सर लोग हमें सिखाते हैं और जो भी कंफ्यूज है वो सब क्लियर करते हैं। 24/7 आपके पास गाइडेंस है ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा सर। एक्चुअली हमने यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल सर, एक काम कर लेना, डे स्कूल यहाँ पे सब से बात करते हैं, बहुत ज्यादा है मेरे पास, नाम पे सुबह ही चिट्ठी निकालने के लिए हमने बच्चे थे तो, ठीक है, लेकिन अब 1000 लीटर का थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, आपको जीआर करना पड़ेगा, आसपास में भी कोई ऐसा जगह नहीं था, 1000 लीटर लेना होगा तो नहीं मत, जैसे हमने हॉस्पिटल को अप्रोच किया लेकिन उनका भी अपना जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से वो हमें नहीं दे सकते थे, तो हमने शुरू में हमने मैंने और मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर डिसीजन किया और फिर हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंच जाए कि हम डे स्कूल्स जो है वो इफेक्टिवली चला सके। साल के क्यों, आप 6 महीने की रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाना था, 6 महीने की था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे हमने डे स्कूल्स इफेक्टिवली चलने लगा और फिर स्टाफ को भी लगा और बच्चों को भी डिमांड था कि रेजिडेंशियल हॉस्टल हो सकता है तो रखिए करके,
तो फिर इसके ऊपर हमने बहुत हमने प्लानिंग किया, आपको एडवाइस लिया स्कूल के अलावा, इस स्कूल के अलावा बाहर नहीं नहीं, वो मैं चिट्ठी में से 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर जगह मिलता है तो अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, के अंदर आपको पानी जो है डेली बेसिस पे हजार चीज है ना, क्योंकि उनका सर्विस जो है वो अल्टरनेट होता है, ठीक है, आज अगर वो आएगा तो आपको 2000 लीटर यहाँ पे जैसे पानी वगैरह फेंकने का जगह नहीं है, वॉशिंग आपको मतलब स्टोरेज टैंक जो है ना वो रखना पड़ेगा। और फिर हम इस तरह के मौसम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बर्फबारी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, हजार काफी, लेकिन जो थोड़ा सा मुश्किल हमें हो सकता था, तो अब जब हमें लगा कि मौसम ठीक है तो इसमें हमने थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये दो रूम बनाया, लेकर कर्टन से लेकर बुखारी से लेकर हर चीज किया। और फिर हमारे यहाँ पे नाम लेके बोलना चाहते सबने मिलजुल के बहुत ही मेहनत से, मतलब सबने एक जुट होकर दिन रात मेहनत करके, जैसे कि यहाँ पे हमने वॉशिंग एरियाज वगैरह जो है, हमारे हाथ धोने का जगह वगैरह जो है, वो जुगाड़ हम कहेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से जुगाड़ बना के चलाना शुरू किया। सर आप ये आज फोर्थ डे है और मोबाइल तो अलाउड नहीं है ना, मतलब अच्छे से चल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे इफेक्टिवली चलाएं। और फिर इसमें थोड़ा बहुत जो सपोर्ट हमें बाहर से चाहिए होगा वो इसी सब कह रहे हैं कि मतलब वो उनकी तरफ से होगा, तो हम बहुत खुश है और हम चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें। स्टाफ थैंक यू। मेरा नाम दामा दाल में मजा है ना, क्लास 12 मीनू ने मार गया, बाकी स्कूलों से अच्छा मीनू है, फर्स्ट क्लास मीनू, मीनू अच्छा आप लोग पहले जो है, बाकी स्कूलों से अच्छा मीनू है, थोड़ा वो पेरेंट्स बोल रहे थे कि ठंड लगेगा ऐसा बोल रहे थे, अभी बाद में सारे बच्चे और पेरेंट्स मान गए, हमारे डायरेक्टर और सीओ का बहुत ज्यादा शुक्र गुजार है, उन्होंने इतना सारी चीजें हमें प्रोवाइड की, और सबसे ज्यादा अपने फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने दिन रात सब्जेक्ट की सारी चीजें मुहैया करवाई, उन्होंने बहुत सारी तैयारी की, और वो यहाँ तक यानी कि 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हर किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते, वो इवन हम लोगों को यहाँ बस इसी मौके का फायदा ले लो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे तैयारी करो, क्या सर प्रॉब्लम है देखना मैं, हाँ यहाँ सब रहते हैं वॉशरूम ही, वॉशरूम का तो प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन इस बार में बहुत ज्यादा अच्छा, यहाँ से घर जाने तक का रास्ता वो बचता है हमारे टाइम, और घर में हमें थोड़ा सुगंध आता है, वो सारे चीजों से हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम मिलता है, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी बहुत अच्छा होता है, हम सब ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हमारे जो डॉट्स रहते हैं ग्रुप डिस्कशन के अलावा, तो वो हमारे सब्जेक्ट टीचर आके हमें, पूरा मस्जिद ही मस्जिद है इधर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये शुरू किया है, ठीक है, सचिन बर्दाश्त बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें टाइम पे हम स्टडी कर सकते हैं, और जो टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो इस हमारे स्टडीज में बहुत अच्छा, हम लोगों को 3-4 दिन ही हो गए शुरू करके, नहीं हाँ तो थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है, अगले साल से इंशाल्लाह ये सारी मुश्किलात नहीं आएगा, ठीक है ना। सीधे से क्या कहना, ठीक मिलता हाँ, तैयारी ठीक से था, चलो होशियार बस ले, मकामी कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।